अकेले कौन आता है? देखो मैं आ गया। जो आदमी अकेले बैठा है, चलो आओ इससे मजा ली जाए। हे तुम अकेले क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों, मैं अकेला बैठ नहीं सकता क्या यहाँ? तुम्हारे बाप का बीच है? नहीं, बाप का तो कुछ नहीं है, बाप को तो जूता होता है तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए। अरे मार खा रहे हो, हम तो मजाक कर रहे थे। तुमसे मजाक कर रहे हो? अरे यहाँ तो जिंदगी में मजाक किया हमारे साथ। अरे हुआ क्या है बताओ तो सही। अरे यार हम तो परेशान हो गए हैं ट्यूशन और स्कूल से। अच्छा तो तुम परेशान हो गए हो पढ़ाई से? अरे बैल बुद्धि, हम खाली इतना कह रहे हैं कि आधो दिन तो हमारे स्कूल में चलो जाए, बच्चों को जो टाइम वो ट्यूशन में चलो जाए, फिर रात में आओ थक के सो ही जाओ, और सुबह उठो फिर चले जाओ स्कूल, और फिर स्कूल से आओ फिर ट्यूशन, अब स्कूल ट्यूशन स्कूल ट्यूशन यही जिंदगी हो गई है। और फिर जब पेपर के बाद रिजल्ट गंदा आता है, काहे कि खुद के पढ़ने के लिए तो टाइम मिला ही नहीं, सेल्फ स्टडी कोई टाइम ही नहीं है। सारा एक ही चीज़ जो ट्यूशन में पढ़ाई जा रही वही स्कूल में पढ़ाई जा रही। स्कूल वाले कह देंगे दो दिन में चैप्टर खत्म, ट्यूशन वाले कहेंगे हम तो बहुत डीप पढ़ाएंगे हैं, उनका कोर्स ही ना पूरा होता, स्कूल वालों का अलग ड्रामा। हाँ यार दिक्कत तो है, लेकिन ट्यूशन और स्कूल दोनों में यहाँ देखो पढ़ाओ तो ही टीचर बढ़िया हैं, और मेहनत करो यही तो जिंदगी है। घंटा जिंदगी, हम तो अब ट्यूशन देने छोड़, हमने सोच लिया सुबह जाएंगे स्कूल, बढ़िया मेहनत से पढ़ेंगे दोपहर तक, घर आएंगे बढ़िया एक मस्त नींद लेंगे, और फिर कायदे से सेल्फ स्टडी करेंगे, और पूरी मेहनत से अब देखना तुम बढ़िया नंबर लेके आएंगे। लेकिन घर वाले अलग हैं, सेल्फ स्टडी उनके लिए कोई चीज़ रही ना गई है, उनको लगता बिना ट्यूशन जाए बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, बच्चे को मौका तो दो तब तो बच्चा कुछ करके दिखाए। अब यार इस बारे में हम क्या ही बात करें, चलो वीडियो देखने वालों से पूछते हैं, क्या तुमको भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी स्कूल और ट्यूशन के बीच फंस गई है? क्या हम पढ़ना तो चाहते हैं पर हमें खुद के लिए समय ही नहीं मिलता क्या सच में? या फिर हम सच में आलसी हो गए हैं कि अगर ट्यूशन ना हो तो हम पढ़ेंगे ही नहीं? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मन लगा के पढ़ो, रोज़ स्कूल जाओ, अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, और पढ़ाई में ट्यूशन हो या स्कूल हो दोनों के अलावा अपने आप एक सेल्फ स्टडी की हैबिट जरूर डालो, खुद से किताबों को पढ़ने की आदत जरूर डालो। आजकल हम लोग पूरी तरह आलसी हो गए हैं कि जितना टीचर ने बताया उतना ही हम पढ़ेंगे, अपने आप कभी किताब उठा के नहीं देखेंगे, तो ये मुझे लगता है गलत बात है। अच्छे टीचरों के गाइडेंस में पढ़ो और सेल्फ स्टडी जरूर करो। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए चलते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।